हेलो दोस्तों, मैं हूं केतन पुरंदरे और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप में अपने खुद के स्टिकर्स कैसे बना सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल और बहुत ही इजी प्रोसेस है। व्हाट्सएप में आप आपके मन चाहे स्टिकर्स खुद से बना के व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर यहाँ पे एक ऐप है, बैकग्राउंड इरेजर। तो आपको ये गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आएगा लोड फोटो, आपको इसे क्लिक करना है। तो जिस भी फोटो का आप स्टिकर बनाना चाहे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इस केस में मैं मेरा खुद का फोटो ले लेता हूँ, तो कि आपको मैं बता पाऊँ कि खुद का स्टिकर, आपके खुद के फोटो का स्टिकर भी आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रॉप एज मच एज पॉसिबल, तो आपको जितना हो सके उतना ये पिक्चर को क्रॉप करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं क्रॉप कर रहा हूँ, मैंने एजेस सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऊपर बटन है डन, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे डन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे एक्सट्रैक्ट ऑटो मैजिक मैनुअल रिपेयर टूल। बाय डिफॉल्ट ये मैनुअल पर रहेगा, आपको इसे ऑटो पर लेना है। जैसे आप ऑटो सेलेक्ट करोगे और बाहर आके इसको सिलेक्ट करोगे, सर्टन पोर्शंस जो है ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे कटिंग के लिए, और मैनुअल पे जाके बाकी जो थोड़े बचे जो एजेस हैं आप इसे मैन्युअली क्रॉप कर सकते हैं। तो ये पूरा क्रॉप हो गया। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसे डन कर सकते हो। जैसे आपने इसको डन किया, यहाँ पे और एक ऑप्शन आएगा स्मूथनेस का, जो नंबर 1 पे है, आपको इसे नंबर 5 पे लेना है। जैसे आप स्मूथनेस को नंबर 5 पे लोगे, ऑटोमेटिक ये पिक्चर एडजस्ट कर लेगा और यहाँ पे ऊपर आपको दिखेगा सेव, आपको इसे सेव कर लेना। तो यहाँ पे जब इसे आप सेव करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्हाइट बैकग्राउंड सेव एज जेपीजी बाय डिफॉल्ट, फिनिश कर दीजिए। जैसे फिनिश हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप इसे मिनिमाइज कर दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप अब आता है कि व्हाट्सएप पे स्टिकर्स जो भी सपोर्ट करते हैं वो है PNG फॉर्मेट में, बट आपकी इमेज जो सेव हुई है वो JPG फॉर्मेट में, तो आपको इसको JPG से PNG कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैं इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे लोड फोटो करना है आपको। जैसे आपको लोड फोटो आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है सेव एज PNG, आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप इसको सेव एज PNG करोगे, सेव हो जाएगा ये, और इसे आप क्लोज कर लीजिए। तो ये हमारे दो प्रोसेस हो गए। यहाँ पे और एक ऐप मैंने इंस्टॉल किया है, पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इसको ओपन करोगे, आप देखोगे ऑटोमेटिक जो भी स्टिकर्स है बन के ऐड हो गए हैं। मेरे खुद के एक स्टिकर्स है, एक मोदी जी के स्टिकर्स है, ऐड टू व्हाट्सएप आप इसे कर सकते हैं। बट जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करोगे, आपको मिनिमम 3 स्टिकर्स ऐड करने होंगे, तो ही वो व्हाट्सएप में बताएगा कि स्टिकर्स ऐड हुए हैं। और एक स्टिकर्स इसका मतलब हमको बनाना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से हम उसे भी बना लेते हैं। फिर से वही ऐप में जाएंगे, बैकग्राउंड इरेजर, लोड फोटो। अभी इस वक्त मैं अक्षय कुमार जी को ले लेता हूँ। सो जैसे ये फोटो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फिर से वही स्टेप रिपीट करना है, क्रॉप एज मच एज पॉसिबल, जितना भी आप क्रॉप करना चाहो आप क्रॉप कीजिए इमीडिएटली और डन कर लीजिए। तो जैसे ये पूरा क्रॉप हो जाएगा, आप इसे सेव कर लीजिए एज स्मूथ करके, स्मूथनेस नंबर 5 पे लेके इसको सेव कर लीजिए। सो यहाँ पे फिनिश बटन ऊपर है, उसे आप क्लिक कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक ये भी इमेज सेव हो जाएगी, और इसे क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद हमको, हमने जो दूसरा ऐप डाउनलोड किया था JPG टू PNG, इसी ये फोटो को भी हमको PNG में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव एज PNG
पे टैप कर दीजिए सेव सक्सेसफुली, और फिर हमारा जो पर्सनल स्टिकर्स फॉर व्हाट्सएप वाला ऐप है उसमें जाके आप देखेंगे तो स्टिकर्स ऑटोमेटिक ऐड हो गए हैं, तो हमको सिर्फ इसे ऐड करना है। वुड यू लाइक ऐड इरेजर टू व्हाट्सएप, सो आपको ऐड करना है इसे, तो ये ऐड हो गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में हम देखेंगे ये स्टिकर्स अभी हमने जो ऐड किए हुए हैं वो आते हैं या नहीं। यहाँ पे जाके हमको सिमिली में क्लिक करना है और ये जो स्टिकर्स हमने अभी ऐड किए हुए हैं वो भी अपीयर होने लगे। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं ये स्टिकर्स आ रहे हैं, और आप ये स्टिकर्स खुद बना के क्रॉप करके दूसरों को भेज सकते हैं। जो भी स्टिकर्स आप बनाना चाहे, जैसे भी बनाना चाहे, ये ऐप के द्वारा आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान चैट।